नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। शिवसेना पार्टी ने कहा, हमारे लिए पहले है समाज सेवा और नारी सुरक्षा का लक्ष्य। दिल्ली में आज शिवसेना पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की। दिल्ली की शिवसेना पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह महाराष्ट्र की शिवसेना पार्टी की तरह कार्य करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र शिवसेना का नारा है, 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, यही हमारा लक्ष्य है। हमने हर तरह की समस्याओं का निवारण करने का संकल्प लिया है, चाहे वह घर की हो या बाहर की, दिल्ली की हो या MCD की या फिर केंद्र की। जिस तरह की समस्या हमारे सामने आएगी, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज आपका नामांकन था, किस क्षेत्र के लिए नामांकन किया? नई दिल्ली के लिए। तो क्या जीतने के बाद क्या करना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए? सब पब्लिक का काम करना है, जो भी काम होते हैं उनके। जैसे कुछ आपने नए मुद्दे सोच रखे होंगे पहले और पहले के नेताओं के? अच्छा, आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, बताएंगे थोड़ा सा जनता को? मैनिफेस्टो नहीं, हमने संकल्प किया है कि पब्लिक काम करेंगे। पब्लिक का काम करने का ही वो है हमारा मेन संकल्प। मेन मुद्दा हमारा नारी सुरक्षा का है, धारा 370 का है, जो वादे पिछली सरकार में पूरे नहीं हुए, बेरोजगारी का है, वो शिवसेना पूरे करवाएगी, यही हमारे मुद्दे हैं। और बाकी जनसेवा का कोई मुद्दा नहीं होता, पब्लिक की सेवा करनी है और जो काम अब हो नहीं पाए वो करवाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? नलवीर सिंह। पार्टी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि नारी सुरक्षा का हमारा पहला मुद्दा नारी सुरक्षा है। हम दिल्ली में नारी सुरक्षा को ठीक करना चाहते हैं। पार्टी के माध्यम से आप क्या कहना चाहते? मैं सबसे पहले ये सोचती हूँ कि ये जो एक लेडीज़ को अपनी सुरक्षा के बारे में प्रॉब्लम होती है, ये हमारी सरकार इतना ये काम क्यों नहीं कर पाती है? एक हमारे जो कंट्री की इमेज खराब होती है, हमारा पर्यटन भी खराब होता है, तो लेडीज़ को सबसे पहले सेफ करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो देखने की भी। और बाकी जो दूसरी समस्याएँ हैं, मैं तो सोचती हूँ ये जो हमारी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है ये बिल्कुल नहीं है अच्छी। हमारी देश में कोई भी बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसको बहुत भारी से भारी फीस चुकानी पड़ती है और गरीब आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और सरकारी हॉस्पिटल्स में लाइन लगी रहती है। और एक अन्य मुद्दा है, मोदी सरकार ने बोला सफाई, हम स्वच्छ दिल्ली मुझे कहीं नज़र नहीं आती है, तो ये इतना काम नहीं हो सकता है, स्वच्छ दिल्ली तक नहीं हो सकता है, तो ये मैं चाहती हूँ ये चीज़ें हों। दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। UFT न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।